मेरी तरफ से सबसे पहले सभी देशवासियों को जय श्री राम और आप सभी को भी जय श्री राम। सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज अयोध्या में हमारे श्री राम जी की मूर्ति स्थापना हुई है, उसी अवसर पे आज हम यहाँ प्रसाद वितरण कर रहे हैं और प्रसाद के साथ साथ सुंदरकांड, ये क्या बोलते हैं, हनुमान चालीसा की बुक भी हम दे रहे हैं। उसके बाद फिर हम दीपदान करेंगे, आतिशबाजी भी करेंगे। तो आज हमने हमारे राम जी की मूर्ति स्थापना के अवसर पे और ये कार्यक्रम रखा है। हमारे पूरे देश में और हम सभी लोग इतने भाग्यवान हैं, इतने भाग्यशाली हैं कि हमें आज ये दिन देखने का मौका मिला है कि हमारे 500 साल के बाद श्री राम जी की जो है अयोध्या में मूर्ति स्थापना हो रही है। क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें ये दिन नसीब नहीं हुआ है और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे, सब भव्य मंदिर जो बन रहा है उसकी स्थापना जो हो रही है मूर्ति की, तो सभी बच्चे देखेंगे और हम सबके लिए इतनी खुशहाली भरी आज दीपावली है कि अब से पहले शायद ऐसी दीपावली नहीं बनी जो आज पूरी देश इस तरीके से भव्य दीपावली मना रहा है। तो सबके लिए बहुत ही हर्ष का विषय है ये। मैं रुड़की वासियों को भी और समस्त देशवासियों को भी, हरिद्वार वासियों को भी कहना चाहूँगी कि आज जो है भव्य दिवाली मनाएं और खुशहाली से मनाएं, क्योंकि आज की दिवाली जो है एक इतिहास में लिखी जाएगी। हमारे नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री के रहते आज हमने ये शुभ दिन देखा है, उन्हीं की वजह से देखा है, क्योंकि इतनी सरकारें आई और चली गई। क्या आप अयोध्या गए हैं? अयोध्या नहीं गए हैं लेकिन जाएंगे जरूर। भी जगह गा रहे हैं, बजा रहे हैं, सब जगह कीर्तन हो रहे हैं, भजन हो रहे हैं। हमारे यहाँ ये मंदिर जो है गंगनेर थाने के पास, इसमें भी सुंदरकांड हो रहा है, हम लोग भी उसमें शामिल हैं। हम आज यहाँ प्रसाद भी बांट रहे हैं, जैसे कि सब भव्य आयोजन सब जगह चल रहे हैं और श्री राम, श्री राम का नाम सबकी जबान पे है। इसलिए मैं एक ही जो सभी बोलते हैं, मैं भी बोल रही हूँ, घर घर में बस एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, जय श्री राम। सबसे पहले जय श्री राम। आज हम बहुत खुश हैं कि हमारे पूर्वजों के कठिन प्रयास, उनके द्वारा किए गए सभी जो उन्होंने संघर्ष किया है और अपना बलिदान दिया है, वो आज फलीभूत हुआ है। और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों के कारण ही ये संभव हो पाया है। वैसे तो संपूर्ण हिंदू समाज, सनातन धर्म के प्रेमी इस चीज़ के लिए संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन इतने लंबे समय के बाद ही संभव हो पाया है, तो उसमें मोदी जी का सबसे बड़ा सहयोग उनका ये रहा है। और ये हम सब का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे जीवन काल में, और ये हमने ये आज पूर्ण होता हुआ देखा।